भूषण ज्वेलर्स। शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति में हिमाचल की पहली एंटी फ्रीजिंग पेयजल योजना बनेगा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने करीब 22 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली हिमाचल की पहली एंटी फ्रीजिंग पेयजल योजना का आधारशिला रखकर जनता को बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 24 लाख रुपए से बनने वाली मंचू पेयजल योजना की भी आधारशिला रखी। ये दोनों सिंचाई योजनाएं कैलांग पंचायत के ग्रामीणों के लिए होंगी। जल शक्ति विभाग कड़ाके की ठंड में 24 घंटे लोगों को पानी मुहैया करवा यूरोपीय देशों की तर्ज पर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में समुद्र तल से 10,400 मीटर ऊंचाई पर स्थित कैलांग में एंटी फ्रिज तकनीक से लोगों को पानी उपलब्ध करवाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस योजना में जमीन से 4 फीट नीचे पाइपलाइन बिछेगी। इस तकनीक में पेयजल आपूर्ति के पाइप नेटवर्क को जमीन से नीचे करीब 4 फीट की गहराई में बिछाया जाएगा। एंटी फ्रिज तकनीक के अन्य पहलुओं का भी इसमें समावेश होगा। पाइप इंसुलेटेड होने के कारण गर्मी को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके चलते पानी पाइप के भीतर नहीं जमेगा और उपभोक्ताओं को -15 तापमान में भी पानी की सहूलियत मिलेगी। पेयजल आपूर्ति योजना होटल रेस्तरां और होम स्टे संचालकों के लिए मददगार साबित होगी। इस इलाके के लिए एक नई शुरुआत हो रही है और बहुत खुशी का मौका है कि इस दूर दराज दुर्गम क्षेत्र में जो अब तक हम पानी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते रहे हैं, जो पानी की पाइपें हम यहां पे डालते रहे हैं और जो पानी जब बर्फ वगैरह पड़ती थी उस सीजन में वो पानी जम जाता था और दिक्कतें जो है इलाका के हमारे लोगों को झेलनी पड़ती थी, उससे निजात हासिल करते हुए हम आज पहली स्कीम यहां लॉन्च कर रहे हैं ट्राइबल इलाकों के लिए और खासतौर पे इस क्षेत्र के लिए। और ये 23 करोड़ रुपए की स्कीम है, इसमें ये 23 करोड़ रुपए की हिमाचल की पहली स्कीम है जिसमें कि हम इस टेक्नोलॉजी से पाइपें डालने जा रहे हैं जो कि बर्फ के दौरान भी जिसमें पानी नहीं जमेगा। और ये टेक्नोलॉजी लेह लद्दाख वगैरह में इस्तेमाल हो रही थी, वहां हमने अपनी टीमें भेजी थी, वहां अधिकारी जाके आए और उसका पहला प्रयोग हम आपके यहां पे कर रहे हैं और 23 करोड़ रुपए लगेगा और इस शहर के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। और दूसरी स्कीम जो पहले से स्कीम यहां पे काम कर रही है, जो सोर्स हमारा मानचू का सोर्स है, उसकी अपग्रेडेशन हम कर रहे हैं, उसको रिमॉडल कर रहे हैं और 2.25 करोड़ रुपया हम उस पर भी खर्चने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।